आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएट करती है जो मैटर के साथ, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस करता है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसे हम बोलते हैं चार्ज। और जो हमारे चार्ज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक प्लस प्लस या नेगेटिव, ये रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे प्लस माइनस, ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और जो चार्ज है उसे हम डिनोट करते हैं क्यू से। चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। क्यू सिंबल से हम चार्ज को डिनोट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चार्ज और मास। चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है? तो चार्ज, ये हो गया हमारा चार्ज, ये हो गया मास। जो चार्ज होता है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एक मैटर की, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और जो मास है ये भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये दोनों ही क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। चार्ज क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। बट मास सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है। थर्ड, चार्ज जो होते हैं ये डू नॉट वेरी विद स्पीड, ये चेंज नहीं होते स्पीड के साथ। डू नॉट वेरी विद स्पीड। बट जो मास होता है वो स्पीड के साथ चेंज करता है। यस, बिल्कुल आपने सही सुना, जो मास होता है वो वेरी करता है स्पीड के साथ। मास वेरी विद स्पीड, कैसे करता है? थर्ड, जो मास होता है वो वेरी करता है, वेरी विद स्पीड। कैसे वेरी करता है? कि जो वी, जो मास होता है एम, जो होता है न्यू मास, वो होता है एम नॉट बाय रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो अब कैसे वेरी करता है? सी यहाँ पे होती है स्पीड ऑफ लाइट, वी क्या होती है? जो हमारी स्पीड होती है जिससे हम चल रहे होते हैं, और वी एम नॉट क्या होता है? हमारा मास एट रेस्ट। तो अब देखो नीचे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो हम कितना भी तेज भाग लें, कितना भी तेज चल लें, हम स्पीड ऑफ लाइट से कभी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे एक बहुत बड़ी डिजिट है जिसे हम डिवाइड करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ही आएगी। तो इसलिए हम मानते हैं कि मास वेरी नहीं करता स्पीड के साथ, लेकिन रियलिटी में अगर आप देखोगे तो वो वेरी करता है स्पीड के साथ। तो क्या हो गया अब है? चार्ज डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जो चार्ज होता है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो मास होता है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। आपने देखा होगा कि जहाँ पे चार्ज होगा वहाँ मास ज़रूर होगा, क्योंकि चार्ज क्या है? चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। लेकिन जहाँ पे मास है वहाँ पे क्या हमेशा चार्ज होना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता मास के बिना, बट मास एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज क्या होती है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? इसे हम डिनोट करते हैं क्यू से। और जो इसकी SI यूनिट होती है, इसकी कोलाम, SI यूनिट होती है इसकी कोलाम, जो कि कोलाम साइंटिस्ट के बाद ही दी गई थी। जो चार्ज होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, SI यूनिट कोलाम होती है इसकी। और डायमेंशन फॉर्मूला होता है इसका M0, L0, T1, A1। तो ये होता है डायमेंशन फॉर्मूला। तो अब देखते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस में
जो नेट चार्ज होता है सिस्टम पे, द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज कंजर्व्ड, सिस्टम पे क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो हम पढ़ रहे थे कि किसी भी प्रोसेस में जब नेट चार्ज होता है सिस्टम के ऊपर कंजर्व रहता है, इसका मतलब क्या है, कोई सिस्टम है यहाँ पर चार्जेस है 1 कोलाम, 2 कोलाम और -4 कोलाम, तो टोटल चार्ज कितना आएगा इनके ऊपर, 1 कोलाम प्लस 2 कोलाम माइनस 4 कोलाम, कितना आ गया, 3 कोलाम माइनस 4 कोलाम, -1 कोलाम है इस पर टोटल चार्ज। अब कुछ टाइम बाद ये ऐसे हो गए, 2 कोलाम प्लस 1 कोलाम, अब 2 कोलाम प्लस 3 कोलाम, कितना आ गया, 5 कोलाम। अब इसे वो करने के लिए हमने -6 कोलाम कर दिया, तो अब क्या आ जाएगा, नेट चार्ज कितना आएगा, 2 कोलाम प्लस 3 कोलाम माइनस 6 कोलाम, तो 5 कोलाम माइनस 6 कोलाम -1 कोलाम। तो देखो नेट चार्ज कितना है इन पे, सेम है। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी प्रोसेस में जो कोई भी प्रोसेस होता है उसमें जो चार्ज होता है सिस्टम के ऊपर हमेशा कंजर्व रहता है। तो इससे क्या डिनोट कर रहा है कि चार्ज क्या फॉलो करते हैं, चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, तो क्या होता है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज हमेशा सिस्टम पे, जो टोटल चार्ज होता है किसी भी सिस्टम पे हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये हो गया, आप पढ़ेंगे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसका मतलब क्या होता है, जो चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, चार्ज एग्जिस्ट करते हैं डिस्क्रीट अमाउंट में इंस्टीड ऑफ कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट अमाउंट में नॉट इन कॉन्टिन्यूस, चार्ज एग्जिस्ट करते हैं डिस्क्रीट अमाउंट में इंस्टीड ऑफ कॉन्टिन्यूस, जिसकी वजह से चार्ज का नेचर क्या होता है, क्वांटाइज होता है। तो चार्ज हम कैसे फाइंड करते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू प्लस एन ई, जहाँ पे एन क्या होता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कोई भी हो सकता है, और ई क्या होता है, ई होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो ये होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका बाय कंडक्शन, कंडक्शन से कर सकते हैं हम एक, तो सेकंड हम कर सकते हैं बाय इंडक्शन, इंडक्शन से कर सकते हैं, और थर्ड वन है हमारा बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से कर सकते हैं। अब आप इसे नोट कीजिए, हम समझते हैं फिर बाद में।